ड्राइवर को भी मैंने घर भेज दिया। ऑटो ऑटो बैंड्रा पाली है। अच्छी फोन क्यों नहीं उठा रही है? यार वो साची अभी तक आई नहीं है, उसने इतने सारे मिस कॉल्स दिए हैं। I don't know, I think वो किसी प्रॉब्लम में है। I better go यार। नहीं यार, तो रुकना, वो आती होगी। हमें भी तो मिलना है उससे। अरे यार तू हमें टेंशन ले रहा है, तेरे ड्राइवर के साथ ही होगी ना कार में, आई रही होगी, जस्ट रिलैक्स। और वैसे भी तेरे साथ पार्टी किए हुए कितना टाइम हो गया, क्यों? और सांची को तो आने ही है, तू आएगी। I know guys, let's enjoy, come. अरे no, it's okay, it's okay, let him go. उसकी वाइफ का मामला है, उसे जाने दो। Thanks a lot, Anki. Guys, see you. तुम घर पर ही हो। दिन छालों की वजह से ही साची नाइट क्लब नहीं आ सके। मैं पुआ बेबी, उठो बेटे, यश बता रहे थे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें भी वो मीटिंग अटेंड करनी है, चलो उठो। मॉम, वो साची ने मेरे लिए कोई नोट छोड़ा है क्या? नोट? नहीं बेटे, कैसा नोट? वो कुछ नहीं, साची आज नोट छोड़कर नहीं गई, क्यों? अच्छा बताओ, मुझे सुपर्णा बता रही थी कि तुम लोग सब कल रात में जब पार्टी में गए थे, साची ने वेस्टर्न कपड़े पहने थे। हाँ, बहुत प्यारी लग रही होगी। जी, साची नाइट क्लब आई थी, इसका मतलब
देवी बेटे कहाँ अटक जाते हो तुम बार बार? चलो उठो, रेडी हो जाओ। हाँ मम। तुम्हें मीटिंग में टाइम पे पहुंचना है, हाँ? नहीं तो यश बहुत नाराज हो जाएंगे। चल ठीक है, मैं नाश्ता लगाती हूँ। शिरडी, शिरडी जाना है आजी? हाँ, शिरडी पास में ही तो है बेटा। तेरी शादी के लिए मन्नत मांगी थी ना, तो जाना ही है। आजी मैं मना नहीं कर रही हूँ, चलेंगे ना हम सब साथ चलेंगे। आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दूँ मैं? मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, वो कॉलोनी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए, शिरडी के लिए मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप हर 2 घंटे में मुझसे बात करेंगी और दवाइयाँ टाइम पर लेंगी, तभी मैं आपको जाने दूंगी, ठीक है? अच्छा, मैं पैकिंग करती हूँ। अरे आप कहाँ अकेले उठक बैठक करते रहोगे? चल मैं आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद करने में। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। अच्छी कल तुम कब आई थी? हाँ आई। अरे आई थी तो फिर मिली क्यों नहीं? मैं बाहर से लौट आई। बाहर से? बट व्हाई? क्योंकि मुझे किसी ने अंदर जाने नहीं दिया टीवी। अरे सच्ची ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट पर लिखा हुआ था सिक्योरिटी के पास। टीवी गेस्ट लिस्ट में मिस्टर एंड मिसेस ध्रुव गोयल का नाम था, और क्योंकि तुम अंकिता के साथ एज अ कपल ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, तो मुझे अकेले किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। ओ गॉड, पर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो कंफ्यूजन हो गया। सांची सुनो, दादा आए हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। कैसी है तू साची? अच्छी हूँ। ये सिंदूर मंगलसूत्र में बहुत खूबसूरत लग रही है। आइए ना, आइए बैठिए, चाय बना दो आपके लिए। नहीं नहीं, क्या काम सही हो रहा है? हाँ दादा बैठिए। और बताइए दादा, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? अब क्या बताऊँ बहन, अब तो मैं सचमुच ही बैठ गया हूँ। क्या हुआ दादा? बहिनी तो ठीक है ना? कहाँ है वो क्यों नहीं आई? दीपाली तो घर पर है, और जाएगी भी कहाँ बेचारी? आस पास में आने जाने का मोही नहीं रह गया, बस कर्जा देने वाले बार बार आते रहते हैं घर पर। दादा आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, अरे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बहन अब तेरा ही आसरा है, तू ही कुछ कर सकती है, और बेचारी दीपाली को भी कुछ खुशी दे सके। हाँ दादा, उससे जो बन पाएगा मैं करूंगी, आप बताइए ना। साची मेरा कुछ कर्जा है, बस वही फेंक दे बहन, असल में मुझे तुझे देना चाहिए। देख मैं तेरे सामने हाथ फैला रहा हूं। दादा ये आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए तो सही, कितने पैसों की जरूरत है आपको? 30 लाख दे दे बहन, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। 30 लाख? 30 लाख दे दे बहन, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। 30 लाख? दादा इतने पैसे मेरे पास कहां से होंगे? हाँ
थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन साची 30 लाख डीवी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं। दादा मैं डीवी से पैसे कैसे मांग सकती? क्यों नहीं मांग सकती? अरे पति है वो तेरा, उसके पैसों पर हक है तेरा। नहीं दादा, मैं डीवी से पैसे नहीं मांगूंगी। मुझसे जितना हो पाएगा जरूर करूंगी दादा, लेकिन मदद मांगने आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ तुझसे। साची जो कुछ हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उस वक्त ये जमीन बेच देती तो मैं भी सुख से रह रहा होता। साची प्लीज गप्पो बस, तुम्हें गप्पो साची, तू गप्पो बस। जमीन बेचकर क्या करता तू? शराब पीता, जुआ खेलता, निकल जाए यहां से। साची आता है तो पटांग बातें करता रहता है, जाओ ना निकल जाए यहां से। चलता हूं तुम जाता है आजी, चलता हूं जाता है जाता है। एक बार जाने दो उसे, चिंता मत कर उसकी, तू काम कर अपना, तुझे जाना है ना। हेलो दीवी। अंकिता दिस इज नॉट डन यार, तुम्हें बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी। सिक्योरिटी को बोलना चाहिए था कि मिसेस साची गोयल अकेले आने वाली है, कि मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी एंटर कर चुका था। अरे दीदी सर, वो एक बार सिक्योरिटी से बात करती तो सब सॉल्व हो जाता। अंकिता वो यहाँ पर नहीं है, ओके? और तुमने इनवाइट किया था तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। मुझे क्या पता साची हैंडल नहीं कर पाएंगे। I'm sorry दीदी, मैं साची से भी माफी मांग लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, I'll handle it। अरे दीदी Like I'm handling it. अब तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैंडल करनी होगी टीवी। बहुत रुलाया है ना मुझे। अब तुम दोनों की बारी। इतनी प्रॉब्लम्स दूंगी कि नई नई शादी की एंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो बेटे? नाश्ता तो कर लो, ऑफिस को बहुत टाइम है। यश तो नीचे भी नहीं उतरे। मैं जल्दी वापस आऊंगा, आई लव यू। लेकिन कहाँ जा रहे हो यश? पूछेंगे तो क्या बोलूं? उनसे कहना आई लव यू वेरी मच, बाय, सी यू। विल्सन साहब की कॉफी लाओ। नीना टीवी का है, तैयार है ना? हाँ हाँ, कब से उठ गया है, रेडी है। लेकिन लेकिन क्या? कहीं बाहर गया है, इधर उधर ही गया होगा, अभी आ जाएगा। इधर उधर गया मतलब? तुझे मालूम है ना कि आज मीटिंग है इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ यश, उसे पता है, आ जाएगा वो। तुम्हारा हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, जानू, अजीज, प्रेमी, स्वीट हार्ट, तुम्हारा वन एंड ओनली टीवी। क्या है ये सब? ये एक छोटा मोटा गार्डन है जो मैं उठा लाया हूं तुम्हारे मन के मौसम में बाहर लाने के लिए। प्लीज एक्सेप्ट। थैंक यू।
क्या जरूरत थी? सॉरी जो बोलना था उसकी भी जरूरत नहीं है दीदी। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हमारा लकी खराब था जो हम चाहकर भी एक दूसरे के साथ कल की शाम नहीं गुजार पाए। अच्छा फिर नोट क्यों नहीं छोड़ा? कुछ नहीं बस वो सुबह देर हो रही थी तो इसलिए, और कोई बात नहीं है। I missed you. वैसे कल रात के लिए थैंक्स। थैंक्स? कल रात को तुमने मेरे पैरों के छालों पर क्रीम लगाया था ना? वो तो बस तुम्हें छूने का बहाना था। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो फिर सैंडल्स तुम्हें रोज पहनूंगी। क्या खुशबूस चल रही है तुम दोनों के बीच में है? जोरा जबी मैं तो बस अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा था। गर्लफ्रेंड्स आर गेटिंग जेलस। अच्छा तो फिर आके हमारे साथ भी बैठो ना बेटा। तू अपना काम निपटा ले फिर तुम लोगों ने जाना भी है ना। बताओ क्या लोगे तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्यों भाई आजकल रोमांस से पेट भर जाता है क्या? नहीं घर को तो गार्डन बना ही दिया है तो करो रोमांस। आजी मुझे एक बात बता ये सब क्यों करना पड़ा तुमको? ये तो मैं नानी एक्चुअली क्या हुआ कल रात मैं और टीवी साथ में डिनर नहीं कर सके ना इसलिए मुझसे सॉरी कहने आया है। और कोई बात नहीं है। So cute. इतनी से बात करे रुड़ गई। हाय शादी के बाद की पहली लड़ाई कितनी मीठी होती है। मीठी मीठी नहीं होती शादी क्या गुड़ की डल्ली होती है। थोड़ा सा गुड़ खाकर चट कर गया। अजीब रिश्ता होता है जितना नाजुक उतना मजबूत। हाँ लेकिन रूठने मनाने का भी तो एक अपना अलग मजा है ना। हाँ हाँ होता है लेकिन बार बार पर रूठने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हाँ लेकिन फिर बार बार मनाने से भी तो वही रिश्ते फिर मजबूत भी तो हो जाते हैं। चल गलत बोल रही हूँ। आपसे तो ज्यादा सही बोल रही हूँ। आपने कौन सी कोई लव मैरिज की है? मैरिज तो की है ना। आए हाय क्या बात है। चलो सांची से पूछ लेते। सांची दीदी कहाँ गई? सांची कहाँ गई? जिनके लिए लड़ रहे थे वो तो चले गए और हमको यहाँ गार्डन के पास बैठा कर गए। डैड टीवी का फोन नहीं लग रहा है। या अजी 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 या वी बी देयर या ऑफ कोर्स या इन 10 मिनट्स श्योर या सॉरी ओके। I really don't believe this. वो लोग वहाँ पहुँचने वाले और हम लोग यहीं पर हैं। डीवी का कुछ पता नहीं। डीवी से ज़्यादा irresponsible लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। अभी पहले थोड़ी सी responsibility की sense थी लेकिन अब तो शादी हो गई।
आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन में से एक था। अब तो रात भी पूरी बाकी है। अंदर सब सो रहे होंगे ना, चाबी से खोलो ना। स्मार्ट। Ha, 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 ha.